प्रिय बंधुओं, आज मेष राशि के विषय में ग्रह गोचर जो चल रहे हैं वह चर्चा करेंगे। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक इसलिए भी है, मेष राशि सबसे पहली राशि होती है और इसी सप्ताह शुक्र का उदय हो रहा है, जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है। और आपके जो शुक्र उदय होंगे, आपको फोर्थ हाउस में पड़ेंगे। कर्क राशि में बुधादित्य योग रहेगा, सॉरी शुक्र और बुध का योग, जिसको लक्ष्मी नारायण योग की संज्ञा दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं गीता के एक श्लोक से। देखिए, जिसके घर में भगवान कृष्ण का एक भी मंत्र उच्चारण होता है, गीता का एक भी श्लोक सुना जाता है, या उसकी ध्वनि आपके कानों में पड़ती है, तो आपके ग्रह तो वैसे ही शुभ हो जाते हैं। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मवयम। तत् भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तो मेष राशि के लिए, आपकी राशि पर मंगल, मेष में मंगल है, आपकी अगली राशि धन स्थान वाणी स्थान पर बृहस्पति, तीसरे सूर्य, चतुर्थ भावों में शुक्र और बुध। यह स्थिति आपके ग्रहों की है। और कुंभ राशि में आपको 11वां शनि और 12वें स्थान आपके राहु हैं, और कर्क राशि में ही आज चंद्रमा है आपके फोर्थ हाउस में। तो इन ग्रहों के गोचर करने से मेष को क्या हानि है, क्या लाभ है? हानि कम है, लाभ ज्यादा है, पहले तो मैं ये बताऊंगा। आपकी राशि का स्वामी मंगल आपकी ही राशि में चल रहा है, जो आपसे पुरुषार्थ के काम करा रहा है, और आप बड़े बड़े कार्यों में सफल हो रहे हैं। और चतुर्थ भाव में जो शुक्र बुध का आगमन हुआ है, आपको निश्चित भवन भूमि का लाभ होने वाला है। और जो ऑलरेडी जमीन वाले किसान लोग हैं या अन्य लोग हैं, बाग बगीचे में फलदार वृक्ष लगाएंगे, कोई गोपालन करेगा, किसी के घर में अनेक प्रकार के पशु आएंगे, पशु धन वाहन बाग बगीचों की शुक्र और बुध वृद्धि कराते हैं। और पराक्रम में आपके सूर्य चल रहे हैं, और छठे स्थान आपके केतु चल रहे हैं, जो आपसे शत्रुता करेगा, समझो उसी का विनाश हो जाएगा। आपके मामाओं के लिए भी ग्रह आपका खराब चल रहा है, लेकिन जो 12वें स्थान राहु चल रहे हैं, एक तो ये आपकी अनएक्सपेक्टेड यात्रा कराएंगे, और यात्रा में धन खर्च का भी योग चल रहा है। तो कुछ ग्रह, ज्यादातर 80% ग्रह आपके पॉजिटिव हैं, जो आपको लाभ देने वाले हैं, लेकिन एक अकेला राहु ही काफी होता है। पूरा एक धन, जो धन आता है उसको एक ही झटके में निकाल भी देता है। तो आप पुष के राहु के शांति तो करानी ही चाहिए, शांति के साथ साथ जो हम कह रहे हैं उस बातों का ही पालन कीजिए। कॉमोडिटी हो, शेयर मार्केट हो, सट्टा बाजार हो, बड़ा बनने के चक्कर में रिस्की काम में पैसा मत फंसा देना। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में कोई जमीन मत खरीद लेना जो वाद विवाद की हो, या जो धोखा देने वाला कोई व्यक्ति हो, आपके साथ चीटिंग कर सकता है। 12वें राहु में धन
खर्च होता है और वह ऐसी जगह होता है कि बाद में डंप हो जाता है, आता नहीं है। तो आप धन तो कमा रहे हैं, 11वां शनि आपको धन दे रहा है, गुरु धन स्थान पर धन दे रहा है, लेकिन उसकी रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है, उस गलत हाथों में ना जाए। तो जब राहु चलता है तो दूसरे व्यक्तियों के बहकाई में लोग आते हैं। तो जब कोई आप नया काम करें तो अपनी, यदि विवाहित हो तो पत्नी से राय लो, यदि आप अनमैरिड हो अपने माता पिता से, माता पिता इस योग्य ना हो अपने बड़े भाई से चिंतन करें, यानी कि परिवार के कुटुंब के लोगों से आपस में चर्चा करके इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपको धन हानि भी होने वाली है। क्योंकि जो बार बार राहु है, नेत्रम चरोगम किल पाद घातम व्यगश्चराहु, वह स्थान में जाने वाला राहु हमने देखा है, बहुत से लोग रातों रात जुए सट्टे में लाखों करोड़ों की हानि कर बैठते हैं, बाद में हमारे पास फोन आते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया। तो हम पहले ही आपको सचेत कर रहे हैं, और आपको किस देव की पूजा करनी है, किससे आपको लाभ होगा, आपकी राशि का स्वामी मंगल होता है, हनुमान जी की पूजा, सुंदर कांड का पाठ आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा, और चतुर्थ भाव में जो आपके शुक्र और बुध हैं, आप फलदार वृक्ष जरूर लगाएं, पशु पालन करने की इच्छा हो वह भी कर सकते हैं, आपके घर में दूध दही घी मक्खन पनीर इन सब के भंडार भरे रहेंगे, आपके घर में अतिथियों का आवागमन चलता रहेगा, आपके कुटुंब धनवानी स्थान पर जो बृहस्पति चल रहे हैं, आप दान धर्म में रुचि भी रखेंगे, लेकिन क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल क्रोध भी दिलाता है आपके राशि में, आपके राशि का स्वामी, क्योंकि वही मंगल आपके अष्टम भाव का स्वामी भी होता है। आप पैर में दर्द के रोगी भी रहेंगे, कोई ना कोई पहले आपको चोट लगी हो, या आपको नई चोट लग सकती है, झटका आ सकता है, ड्राइविंग बिना शराब पिए करें, नॉन वेज भक्षण न करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए सब कुछ मंगल रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, बंधुओं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, नमस्कार।